जैसा कि पिछले कई दिनों से पूरा विपक्ष इस बात को और इस मुद्दे को बहुत मजबूती से उठा भी रहा है कि नए संसद भवन का जो उद्घाटन होना है उसमें किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपनी दलित विरोधी मानसिकता, आदिवासी अनुसूचित जनजाति विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन कर रही है, ये किसी से छिपा नहीं है। और हर बार ये देखा जाता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित राज्यों के अंदर भी किस प्रकार से दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर आए दिन अत्याचार होते हैं और भारतीय जनता पार्टी की उन राज्यों में जो सरकारें हैं वो किस प्रकार से मूक बधिर होकर बैठी रहती हैं। और अब तो हद ही हो गई है अपनी दलित विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन करने में, जो कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्तियों का भी अपमान, उस पद का भी अपमान इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उस पद के ऊपर जो लोग आसीन हैं वो दलित हैं, वो आदिवासी हैं। जब नए संसद भवन का शिलान्यास किया जा रहा था तब उस वक्त के तात्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को निमंत्रण नहीं दिया गया था, इस बात को दर्शाते हुए कि किसी भी प्रकार के पूजा पाठ में, किसी भी प्रकार के विधि विधान में या शुभ कार्यों में दलितों का उपस्थित होना इन लोगों को खलता नहीं है, इन लोगों को जो है अच्छा नहीं महसूस कराता है। और यही कारण था जब नए संसद भवन का शिलान्यास रखा जा रहा था, नए संसद भवन को बनाने की तैयारी की जा रही थी, तो पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को वहां से नदारद रखा गया, उनको निमंत्रण नहीं दिया गया। ये एक सोची समझी रणनीति, ये सोची समझी मानसिकता, आज मैं इसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब जब उस नए संसद भवन का उद्घाटन होना है, उस नए संसद भवन को का लोकार्पण होना है, उस संसद भवन को जब जनता के लिए और नए सांसदों के लिए खोला जाना है, तब भी मौजूदा जो हमारी राष्ट्रपति हैं, जो आदिवासी समाज से आती हैं, उनको निमंत्रण ना देना, उनके द्वारा उनके कर कमलों से उनका उसका उद्घाटन ना करवाना, इस बात की ओर साफ साफ इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ दलित समाज के लोगों को, अनुसूचित जनजाति के लोगों को, आदिवासी समाज के लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक समझती है, वोट बैंक के लिए इनको पदों पर आसीन रखती है। लेकिन जब बड़े बड़े उद्घाटन होने चाहिए जहां पर उनकी मौजूदगी कानून के तौर पर, संविधान के तौर पर और योग्यता और पद के हिसाब से उपस्थिति उनकी महत्वपूर्ण होनी चाहिए, तब तब उनको वहां पर नज़रअंदाज किया जाता है, बुलाया नहीं जाता है।